चार साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय कर रहे हैं, चार साल बीतने के बाद लात मारकर भगा रहे हैं और एक झुनझुना दे रहे हैं कि 25% का सिलेक्शन होगा। 25% की क्या गारंटी है मेरे दोस्त? दूसरी बात कहते हैं कि जो 75% रिमेनिंग होंगे उनको प्राइवेट सेक्टर में, उनको पुलिस में, उनको असम राइफल में रिजर्वेशन देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वर्तमान में, वर्तमान क्या वर्गीय कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बन जाना आकर्षक। बहुत बढ़िया, मैं वही कहना चाह रहा था, इनकी मानसिकता ये है कि ये मेरे जो अग्निवीर जिनको नाम दिया, मेरे नौजवान चार साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर देश की सेवा करें, क्योंकि सर्विसेज सेवा है, वहाँ पर गोली खाए दुश्मनों की, लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहूति दे और उसको सिपाही का दर्जा भी ना मिले, और रिटायरमेंट के बाद जब उसको लात मार दी जाएगी तो इनके कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में गार्ड की नौकरी दे देंगे। ये मानसिकता है इन बीजेपी वालों की, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, मेरे देश के नौजवानों आज समय आ गया है, जागृत हो जाइए। आपको किसी पार्टी के कार्यालय में गार्ड नहीं बनना, आपको देश की सेवा में जाना है, आपको सेनानी बनना है। इस सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं बड़ा रिफॉर्म है ये सेना में, सेना के जितने बड़े अधिकारी कह रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि अपने एक बच्चे को अग्निवीर बना दें, बना दे अग्निवीर एक बच्चे को, एक को क्यों, तो लाखों को बनाएंगे अपने बच्चे के। भाई साहब भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अग्निवीर तो आपका बेटा भी नहीं बनेगा। अगर बिल्कुल मैं अग्निवीर क्यों बना, मैं उसको सिपाही बनाऊंगा भैया। अग्निवीर सिपाही नहीं है, अग्निवीर सिपाही नहीं है मेरे दोस्त, अग्निवीर छलावा है। अग्निवीर है क्या? मेरे बच्चों को आपने नया नाम दे दिया कि एक सर पे कफन बांधो और चले जाओ। सेना यंग होगी अब। ओ बहुत बढ़िया, टाइगर हिल पे ऐसी चल जाएगी आसानी से। बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि मेरी सेना यंग हो, मेरी सेना जवानों की हो, युवाओं की हो, लेकिन सेना हो। अग्निवीर में तो उनको सिपाही का दर्जा भी नहीं है, अग्निवीर सेना का है? कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने, देखिए सब चीजों कहाँ कंट्रोल कर लिया, दिन में देखिए सब कर दिया। अच्छा वो तो किसान बिल भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, वो तो इन्होंने CAA और NRC भी कंट्रोल कर लिया था, ये तो सब कुछ कंट्रोल करते आए हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं मेरे दोस्त, जिस समय कृषि कानून आया था तो कानून मंत्री उस समय रविशंकर प्रसाद थे, कृषि कानून वापस गया, रविशंकर प्रसाद जी को आपने रोड पे या किसी सभा में देखा नहीं होगा, गायब हो गए। कोरोना काल जब हुआ तो कोरोना कांड में जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे इनके हर्षवर्धन जी, वो गायब हो गए। अब अगला टारगेट राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी आप समझ जाइए, लड़ा रहे हो आप उसमें, ये समझ जाइए कि अब अगला टारगेट आप हैं, ये सरकार इसको वापस लेगी और आप गायब हो जाएंगे। फूट डालना हमारा काम नहीं मेरे दोस्त, फूट हमारे एक नारे लग रहे हैं, हमारे एक नारे लग रहे हैं मंच से कि पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि फूट डालना पहले गोरों का काम था अब और इन चोरों का काम है। नहीं नहीं आप एक अच्छे वक्ता का नाम लो, मैं संबित पात्रा को वक्ता नहीं मानता, आई एम सॉरी। आप किसी इंटेलेक्चुअल की बात कीजिए, अब बड़ा कौन डॉक्टर है वो सर? हाँ आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता वो किस चीज के डॉक्टर हैं, आप सब जानते हैं, आप ही के माध्यम से मुझे पता चला। यस सरकारी नुमाइंदा नहीं होता है सर, क्या पार्टी विशेष का वक्ता है, सरकारी नुमाइंदा नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो पार्टी विशेष का प्रवक्ता है सरकार का नहीं, तो भी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई सेक्रेटरी आए? एक पार्टी का प्रवक्ता क्यों आता है सरकार का पक्ष रखने के लिए? अरे तमाम अधिकारी तो आ गए सेना के, और क्या चाहिए बताइए, सेना के चार फौजी भी आ गए सेना में बैठ रहे हैं दिन रात। 36 रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ने अग्निवीर का विरोध किया है, आप उसको क्यों नहीं दिखाते? 150 जो समर्थन कर रहे हैं, आप गिनती बताइए, आप नाम दीजिए, हम भी मान लेंगे। चार दिन से लगातार टीवी पर बैठ रहे हैं, कहां 150, दो लोग आते हैं जो इनका समर्थन करते हैं। अरे अब जनरल वीके सिंह को देखिए, जिस समय रिटायर हो रहे थे तो 6 महीने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए था। उनकी प्ली क्या थी कि जी मेरी गलती से 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ थी गलत हो गई थी। अरे जनरल साहब आप तो 6 महीने के लिए लड़ गए थे और मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल, मेरे युवाओं को, मेरे देश के बच्चों को आप 4 साल के कोटे पर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बुला रहे हो। धिक्कार है ऐसी सरकार को और धिक्कार है ऐसे नेताओं को। आनंद महिंद्रा भी सामने आ गए, वो कह रहे कि हम देंगे अंग्रेजों को जॉब। अरे तो आनंद महिंद्रा या जितने भी इनके प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये क्यों अग्निवीर बनने की वेट कर रहे हैं? वो नौकरी दे देना सारे युवाओं को, मेरे युवाओं को नौकरी दें, फिर क्या जोड़ते हैं? अच्छा यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार
तैयार की अग्निवीर योजना ऐसी है जो ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा, किसको तैयार कर रहे हैं आप? 4 साल एक बच्चे को असला चलाना सिखा रहे हैं, सारी ऑटोमेटिक मशीन गन चलाना सिखा रहे हैं, सारे जितना भी इन्फेंट्री के सारे गुण सिखा रहे हैं, उसके बाद 75% को मार्केट में छोड़ रहे हैं ताकि वो किसी आतंकवादी ग्रुप को ज्वाइन करें या किसी ISI को ज्वाइन करें। आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन देश को बर्बाद करने की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका बंगले पर गार्ड नहीं चाहिए क्या? हमारे बंगले पर गार्ड वो है, हमें ऐसे गार्ड, नकली गार्ड नहीं चाहिए। मेरे तैयार हो जाएंगे 4 साल बाद, जोगिंदर भी आ जाएगी सर। जोगिंदर, परमेश्वर सलामत रखे हम सब लोगों को, हम भी देख लेंगे। पहले तो इसको इम्प्लीमेंट होने दो, फिर बात करेंगे। कांग्रेस कह रही है हम पहले अपने अग्निवीर को बचा लें। कांग्रेस का वीर है वो मेरा लीडर है, मैंने कहा था। और लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। कमर्शियल पायलट एमफिल इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ट्रिनिटी। काम नहीं करने दे रहा आप ईडी। अच्छा, ईडी का देखिए, अब ईडी का बताता हूँ। एक केस में मैं बेल पर हूँ, एक केस में मैं बेल पर हूँ। आप ईडी पे आइए ना, आप नेशनल हेराल्ड पे आइए, जब आप बात करते हो सही बात करिए। मैं बेल पर हूँ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था इसको ऑन मैरिट डिसाइड करो। ईडी ने मुझे समन किया, मैं जा रहा हूँ। राहुल गांधी को किस बात का डर है? क्या जो ऑलरेडी बेल दे रहे, सड़कों पर लेट जा रहे हो, कहाँ लेटे हैं? मेरे राहुल गांधी का आदेश है कि कोई रोड पे कुछ नहीं करेगा। आज हम है ना जंतर मंतर पर। अरे हम अपने लीडर को हम आदेश मानते हैं तभी यहाँ पर हैं। अगर हम आदेश नहीं मानते तो फिर तो अराजकता हो जाती ना। तो लोग कह रहे हैं अग्निवीर दिखाई नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले जो है अपना सेना लेकर तैयारी है यहाँ पे। हम कांग्रेस के सेना है, हम बजरंग दल या RSS के सिपाही नहीं है। वो हिंदू सेना, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद, BJP के हैं। हम सिर्फ कांग्रेस के सेना हैं बच्चे, हम सिर्फ कांग्रेस के सेना हैं। अब मुझे लग रहा है ठीक है, अच्छा वो RSS के शाखा में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको अग्निवीर बनाए, क्योंकि वो तो वैसे ही अस्त्र शस्त्र चलान सिखाते हैं। और हम आदर्श देते हैं, हम संस्कार देते हैं, हम आदर करना सिखाते हैं, वो लाठी चलाना सिखाते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को त्रिशूल बांटते हैं और हम झंडा बांटते हैं। फर्क है, हम देश के लिए जीते हैं और वो देश को मारना चाहते हैं। आंदोलन कर लीजिए लेकिन वापस नहीं हुआ। कृषि कानून का क्या हुआ था? खत्म बात जी। वकील साहब क्यों भड़का रहे हो आप लोग युवाओं को? बहुत बढ़िया, अगर आपके इस कथन से आप खुश हैं या सरकार खुश है तो हम भड़का रहे हैं। क्यों? देश को जगाना अगर भड़काना है तो हम भड़का रहे हैं। जगा कहाँ रहे? देश रहे हो, जला देश के वास्तविकता के दर्शन कराना अगर भड़काना है तो हम भड़का रहे हैं। देश में अगर क्रांति की लो जगाना भड़काना है तो हम भड़का रहे हैं। ट्रेनों को जला, देश में अगर रोशनी सच्चाई की फैलाना भड़काना है तो मेरे दोस्त हम भड़का रहे हैं। ट्रेन को जलाकर क्रांति लाओगे? किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, किसी भी कांग्रेस के कर्मवीर ने किसी भी ट्रेन में आग नहीं लगाई। और मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे चैनल के माध्यम से, जो लोग ट्रेन में आग लगाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नाश करते हैं, वो देश के नागरिक नहीं हो सकते। वो किसी भी दल के तो हो सकते हैं लेकिन देश के नागरिक नहीं होते। छात्र नागरिक नहीं है देश के। मैं उनको नागरिक कभी नहीं मानता जो अपने देश का नाश करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक नवजात शिशु, कोई भी हो, जो देश हित में नहीं वो देश का नागरिक नहीं। उनका आक्रोश को आप? आक्रोश अलग चीज है, देश की संपत्ति को नुकसान करना अलग चीज है। तो कह रहे कि कांग्रेसी लोग सब करवा रहे हैं, आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उग्र कर रहे हैं युवाओं को। आप ही की सरकार, केंद्रीय सरकार हमेशा ये कहती आई कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। और वो कल एक इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के अग्निवीरों के लिए आए या राहुल गांधी को बचाने आए? राहुल मेरा हीरो है, राहुल मेरा नेता है, राहुल मेरा आदर्श है और अग्निवीर मेरे बच्चे हैं, तो मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहुल के बिना देश नहीं तो मेरे अग्निवीरों के बिना देश नहीं। और एक पार्टी का अस्तित्व है, एक आत्मा है। राहुल कह रहे हो नागरिक ही नहीं है। मैंने कहा अग्निवीर उन दुष्टों के लिए नहीं जो रेलों में आग लगा रहे हैं, मैं उनको नागरिक नहीं मानता।